हमारे भगवान दूध पीते हैं और मैया यशोदा जब गाय दोहती है ना तो थनों से वो जो धार है तो भगवान बगल में बैठे वही मुंह खोलते धार मारती तो सीधा मुंह में अंदर जाता और भगवान उसको दूध पीते ऐसे सीधा मुंह खोलते आ और धार आती सीधा मुंह को भर देती ऐसे भगवान दूध पीते थे। भगवान इतने मजबूत क्यों थे दूध पीते थे और आप लोग पेप्सी कोका कोला पीते हो। पेप्सी कोका कोला ज्यादा हेल्दी है या दूध? फिर दूध पीना आपने छोड़ दिया तब से आप कमजोर हो गए, वरना पहले कितनी फुर्ती थी लोगों में, 90-90 साल तक चश्मा नहीं लगता था। पहले के लोग ना एक एक पाव तो घी पी जाते थे, पहले के लोग रोटी दाल चावल कम खाते थे, घी दूध दही पी लेते थे। गांव में हमारे एक चाचा हैं, जब तक उनकी थाली पर दही ना आए भोजन में, जब तक दही ना हो दूध ना पी लें, जब तक वो शाम को दो चार गिलास बोले कि दूध के बिना दही के बिना कोई जीवन है। और आप लोगों का तो आजकल बिना दही बिना दूध का ही सब काम चल रहा है, बाजार का दही बाजार का दूध बाजार का घी बाजार का, डिपेंड है आप बाजार के चीजों पर, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं स्वास्थ्य पर, वरना डॉक्टरों की इतनी जरूरत ना पड़ती। भगवान गोपियां शिकायत करने आई, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौ से संजात हास स्तेयम स्वाद्यवत्यथ दधिपय कल्पितयोगै मरकान भोक्षन विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान। छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से भगवान खोल देते हैं, गोपियां शिकायत करती हैं मैया से, कहीं गोपियां क्रोध करती हैं तो भगवान ही करके हंस देते हैं। भगवान चुरा चुरा कर खा जाते हैं दूध दही, गोपियां पकड़ती रह जाती हैं पकड़ नहीं पाती। ये जो गोपियां शिकायत करती हैं भगवान छींके से माखन ग्वाल वालों का गोला बनाए चढ़ गए माखन निकाला खाए, ये सब सुना होगा आपने बाल लीला। तो भगवान ये जो बाल लीला करते हैं ना ये लीला केवल गोपियों को सुखी करने की लीला है। गोपियां कोई शिकायत वगैरह नहीं करती थी, शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने नंद भवन में जाती थी। मैया तेरे लाला की शिकायत करवे आई है, क्योंकि शिकायत करवे आएंगी तब तो मैया घर में घुसने देगी, वरना मैया यदि ये कहें कि मैं आप तेरे लाला को दर्शन करवे आई हूं तो मैया बोली चली जा मेरो लाला सो रहे तो को दर्शन देवेगो कि अपनो काम करेगो खेलेगो, तो मैया दर्शन ना कराए छोरा के। तो गोपियां शिकायत लेकर आए कि मैया तेरे लाला की शिकायत करवे आई है अब तो दर्शन करा, और वाके सामने शिकायत करेंगी तब मैया आवाज लगाती अरे कन्हैया ओ बेटा कनवा नेक अयो सही देख बेटा गोपियां तेरी शिकायत करवे की ताई आई है। तो कन्हैया छम छम पायल बजाते आए हाँ मैया का है गौ अरे लाला देख तो सही है गोपी आई है ना जाने का कहे कहें कि तू चोरी चोरी जाए के माखन सबरो खाए। लाला तू चोरी कब से करवे लग गये हो तेरे घर में 9 लाख गैया है बाप बाप को माँ को नाम बदनाम करे गो का। अब कन्हैया आए छोटे से कन्हैया मैया तुम मेरी शकल ध्यान से देख मैया। हाँ मैया बोली देखूं बता का देखनो है मैया तू बता मैं चोर लगूं तो कू का। तो मैया बोली दारी के मोकू तो तू चोर ना लगे पर ये सखियां तो कवे कि तू चोर है। अरे सखी चुप काय को खड़ी है बता कि का क्यों मरे लाला ने। अब सखी बोलवे लग गई मैया या कि का करतूत बताऊं तो कू सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दे बछड़े जामे और सारो दूध पी के आ जामे हमें रत्ती भर दूध ना मिले। अरे मैया एक सखी बोली मैया एक दिन तेरे लाला ने कहो कि भैया गांव में बड़े बड़े संत आएंगे सबरो माखन दो चंदा में हमने सबने माखन दियो और बाद में हमने पूछे च्योरे लाला संत आए गए हमें भी तो दर्शन करा। तो कन्हैया बोलो आजा दर्शन कर ले जाए के देखे तो बंदर खावे लग गए माखन और तेरो लाला कहे यही तो संत है सखी और कौन से संत तू देखनो चाहे बंदरन को माखन खवाए और कह तो जाए कि पिछले जन्म में तुम सबन ने खूब सेवा करी या जन्म में डट के माखन खाओ।
ये सब बंदर भालू वही जन्म के हैं त्रेता वाले, अब माखन खवा रहे हैं। तब भगवान काम लेते हैं, अब खवाते हैं।